नीलिमा पाठक सामंतरे कवित्री। नीलिमा पाठक सामंतरे जी का नीलिमा दिल से अखबार के पन्नों पर छपने वाला कॉलम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दिल से निकली बात को आम जनमानस के दिलों तक बखूबी पहुंचाने का काम कर रही हैं नीलिमा पाठक सामंतरे। अपनी स्कूली और महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान नीलिमा जी के मन में विचारों के प्रस्फुटन का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने धीरे धीरे कविता का रूप ले लिया। कटनी के प्रसिद्ध पाठक परिवार में जन्म लेकर इन्होंने कटनी और जबलपुर में अपनी शिक्षा पूरी की। मनोविज्ञान के स्नातकोत्तर करने के साथ साथ लेखन के प्रति आपके अभिरुचि को आपने हमेशा जीवंत रखा। साल भर पहले नीलिमा जी के काव्य संग्रह एहसास के विमोचन समारोह में शामिल हुए देश के बड़े रचनाकारों ने उनकी लेखनी को सराहा है। दखल परिवार नीलिमा जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सबसे पहले मैं आशुतोष भैया और अपने बड़े भैया संजय पाठक जी को धन्यवाद कहती हूँ, दखल टीम के अनुराग उपाध्याय जी और शेफाली गुप्ता जी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, इस अवार्ड के योग्य समझा, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशुतोष भैया के सामने बोलना बहुत कठिन लगता है, क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा भैया। वो बड़े भाई हैं, बस इतना ही बोल सकती हूँ, और तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इनके लिए क्या बोलूँ। और संजू भैया के लिए तो क्या बोलूँ, ये हम दोनों की सबसे प्यारी बहन है तो स्वाभाविक है, लेकिन खूब तरक्की करो, खूब शुभ आशीर्वाद, सदैव गुरुदेव भगवान तुम्हारी लेखनी में विराजन है, ऐसी शुभकामनाएं। हाँ, मतलब खुद के भैया के लिए यहाँ पर खड़े होके मैं क्या बोलूँ, बस आशीर्वाद रहे दोनों भाई का। जी, थैंक यू। सुरेश चंद्र गुप्ता। ये मेरी प्यारी छोटी बहन है, और हकीकत में बताऊँ, मेरे को अभी दो साल पहले ही शायद पता चला कि नीलिमा तो उनका नाम है, लेकिन घर में हम लोग बेबी बोलते हैं प्यार से, कि बेबी लेखक भी है, पोएट भी है, राइटर भी है। उसकी एक से एक कविताएं हमने जब पढ़ी, अचानक जब मम्मी ने बोला कि बेबी की किताब लॉन्च होनी है, तब मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छा लिखती है। नहीं तो हम तो राजनीति, समाज सेवा, घर परिवार, व्यापार में ऐसा उलझे हुए थे कि कभी हमको पता नहीं चला कि इतनी बड़ी प्रतिभा है। और अनुराग जी और आप सभी लोगों ने, खासकर आशु भैया लोगों ने, जब ये सब चीज़ें देखी तो बोले इसको प्रकाशित कराओ। तो ये कह रही है हम कि संजय भैया के लिए क्या बोले, तो मैं भी इनके लिए कह रहा हूँ कि मेरे को खुद भी नहीं मालूम था कि एक दिन मेरी प्यारी छोटी बहन इतनी बड़ी लेखिका बनेगी, बहुत आशीर्वाद। दखल की सभी टीम को भी, दखल टीम को भी बहुत बहुत आभार प्रदान करते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।